राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। फाइनली अभी वो दिन आ चुका है जहाँ मुझे वापस फरीदाबाद जाना है भाई, शादी के बाद। वो इसलिए क्योंकि मुझे फिर से ड्यूटी ज्वाइन करनी है। तो अभी मैं और मिश्रा जी निकल चुके हैं फरीदाबाद के लिए। अभी हम जा रहे हैं आगरा कैंट। जो हमारी ट्रेन है वो 5:45 की है, तो फटाफट से चलते हैं आगरा कैंट। चलो अभी हम आगरा छावनी पहुंच चुके हैं, पहुंच कर बात करते हैं। 5:13 हो रही है, 14 डिग्री सेल्सियस। क्या रुक जाओ यार, मैं भी आ रही हूँ। यहाँ मिश्रा जी बैग लेके जाते हुए। और ये रहा प्यारा सा आई लव आगरा, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगता है। अभी यहाँ पे मुझे इनके भी फोटो क्लिक करने हैं और खुद के भी करवाने हैं। अब हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन के अंदर। वैसे जो हमारी ट्रेन की टाइमिंग थी वो थी 5:45, लेकिन हम थोड़ा सा जल्दी पहुंच चुके थे क्योंकि जल्दी जाना ही ज्यादा बेहतर है यार। हाँ जी, देखो तो इतने स्टाइल में, देखो तो, देखो देखो, बस बाप इधर पैर भी रखना है, पैर भी रखना है, बस पैर भी रखना है। ये और ये स्टाइल मारते हो मिस्टर मिश्रा। कंफर्टेबल है? हाँ, एसी का ज्यादा कंफर्टेबल है। हाँ, सीट 2 है ना। चलो बैग को उठाया जाए मिस्टर मिश्रा। ये देखो पहलवान को, 4 पहिए वाला सूटकेस होने के बाद भी इससे नहीं चल रहा है। 7, 8 वैसे दोस्तों मैं आपको एक सच बता दूं कि मैं कभी भी एसी वाले इस चेयर वाले डब्बे में कभी नहीं बैठी ट्रेन के में। ये तो मिश्रा जी हैं जिन्होंने मेरा जो है रिजर्वेशन एसी वाले डब्बे वो भी चेयर वाले में करवाया था। लिटरली ये बहुत ही कंफर्टेबल है। मैं यहाँ पे खिड़की उठाने की कोशिश कर रही थी, वो ऊपर ही चला गया, मैं डर गई, मैं इनका पता नहीं है क्या है। खैर मेरे लिए ये नया था, तो मतलब हम दोनों ने ही ये सफर बहुत इंजॉय किया। वैसे कई सारे लोगों का कहना ये है मुझसे कि आपको इतने दिन की छुट्टी मिल गई तो क्या अमृता हॉस्पिटल में एलओपी पे मिलती है छुट्टी या कैसे। तो दोस्तों अगर खुद की शादी है ना तो यहाँ पे आपको 21 डेज का ऑफ मिल जाता है। जैसे कि आपकी पीएल है, सीएल है या जो भी आपकी लीव पड़ी हुई है, तो आप 21 डेज का ऑफ ले सकते हो और शादी के बाद में फिर से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फटाफट से मैं ये खा लेती हूँ, मुझे भूख लग और यहाँ पे मुझे आने लग गई है नींद भाई। मिश्रा जी के कंधे पर सिर रख के बस मैं सोने में लग गई हूँ और मिश्रा जी मुझे परेशान कर रहे हैं कि भाई ये देखो आते ही इसको सो गई है। और मैं कह रही हूँ भाई मुझे सोने तो मिश्रा जी, क्योंकि रात में मैं ठीक से सो नहीं पाई थी, काफ़ी लेट सोए थे और मॉर्निंग में फिर से जल्दी उठ गए थे, तो इसीलिए सोचा कि 1-2 घंटे आराम कर लें। फिर रेस्ट का टाइम आ गया भाई और ये खाते पीते हुए अभी ट्रेन यहाँ पर रुक चुकी है। बाहर का माहौल हो चुका है कुछ ऐसा, मतलब मौसम बहुत ही ठंडा था मॉर्निंग के टाइम पे। बस यूं ही सफ़र का एंजॉय करते हुए अभी हम दोनों पहुंच चुके हैं फरीदाबाद रेलवे स्टेशन। दोस्तों अभी यहां से फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से हम लेंगे ऑटो अमृता हॉस्पिटल के लिए। अंजलि कैमरा आ गया है मेरे हाथ में, दोनों बैग पकड़ लिए हैं मिश्रा जी ने, मतलब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में है सिर्फ कैमरा। देखा हस्बैंड होने का फायदा, दोनों बैग इनके पास है। देखा हस्बैंड का फायदा, देख रहे हो दोस्तों। बेचारे मिश्रा जी इतना भारी सा
कम से कम 50 किलो का उठा के जा रहा है। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से सीधा ऑटो बुक कर लिया हमने अमृता हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि मुझे सीधा हॉस्टल जाना है और सफर बहुत ज्यादा नहीं था। उसके बाद भी मेरी शक्ल ऐसी हो गई, मतलब मैं थक चुकी हूँ यार। खाना बढ़िया है, मैं वही तो कंफ्यूज हो गया। मैंने समझा, मैंने यहाँ तो ये गाड़ी किसी और की होगी। गाड़ी उतरेगी, किराए पर चला रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ हॉस्टल, और हॉस्टल पहुँचते ही मेरे पास में दो बैग थे जो मिश्रा जी के पास थे, वो मैं फटाफट से ऊपर हॉस्टल रूम में रख कर आई। और यहाँ पे मिश्रा जी वेट कर रहे थे क्योंकि उनको भी जल्दी से ट्रेन पकड़नी है, उनको वापस आगरा जाना है। दोस्तों चलो ओके, बाय बाय मिश्रा जी। तो फाइनली पूरे एक महीने के बाद में मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में, मतलब अपने हॉस्टल आ गई हूँ मैं वापस। अभी कल से फिर मैं फिर से ज्वाइन करूँगी अपनी ड्यूटी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और राधे राधे।